हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटे बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और हल्का फुल्का ऐसा नाश्ता। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 7 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और फिर इन आलूओं को अच्छे से मैश कर देना है। मैं हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैश करने के लिए। आप ग्रेटर से कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप मैशर से इन्हें मैश भी कर सकते हैं। मैंने तो बोला है ये छोटे बच्चों का नाश्ता है, पर बड़ों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसमें नमक मिर्च और मसाले थोड़ा ज़्यादा डालिए। फिर हमें 3/4 कप इसमें चावल का आटा डाल देना है और एक मीडियम साइज़ का गाजर कद्दूकस किया हुआ इसमें डाल देना है। स्वादानुसार नमक डालना है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा और धनिए का पाउडर लिया है आधी आधी छोटी चम्मच। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। और फिर हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मसल मसल के मिलाना है। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और इनको अच्छे से मिला के इसका एक डो तैयार करना है। तो अभी डो तैयार है और इसको ऐसे लंबाई में रोल करके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। और फिर मैं इनको दूंगी बच्चों के फेवरेट अलग अलग शेप। तो फर्स्ट वाला है वो मैं सर्कल बना रही हूँ। मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ ये सब शेप्स बनाने के लिए। आपके पास अगर कुकी कटर या कुछ अलग अलग शेप्स है तो उनका भी इस्तेमाल करके आप शेप्स दे सकते हैं, पर इन टिक्कियों को आप ज़्यादा मोटा ना बनाएं, थोड़ा पतला ही रखें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, नहीं तो टूट जाएंगी, पर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, नहीं तो ये अच्छे से बाहर से क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इस तरह से मैंने सारे शेप्स बना के तैयार कर लिए हैं। मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और उसमें 3-4 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेम को एकदम लो रखना है। और मैंने अभी सारी टिक्कियाँ एक एक करके इसमें पैन में डाल दी है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये शेप्स। और फिर इनको 4 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। चार मिनट हो गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे। तो एक एक करके मैंने सारी टिक्कियाँ पलट दी है और दूसरे साइड से भी 4 मिनट हमें ऐसे ही लो फ्लेम पे पकने देना है। देखिए दूसरे साइड से भी ये पक चुकी है। और फिर इन्हें पलट पलट के हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक पकाएंगे। मैंने धीमी आंच पे इन्हें 10 से 12 मिनट पका लिया है। इनको मैं निकाल रही हूँ। तो सारी टिक्कियाँ सिककर रेडी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। मज़ेदार रेसिपी, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और कितना लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स है इसमें, 3-4 चीज़ें मिलाओ और अच्छी सी टिक्कियाँ बनाओ। ये आप बच्चों को सुबह नाश्ते में दे सकते हो, इवनिंग स्नैक में दे सकते हो। ये टिक्कियाँ ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहती है थोड़ी सी, तो छोटे बच्चे भी इन्हें आसानी से खा सकते हैं। वाओ बहुत अच्छी लग रही है। देखो मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया।
तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।